हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन है और स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मोटर्स टेक्नोलॉजी पर। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, जैसे कि दोस्तों आपके पास बाइक स्कूटी होती हैं, उसमें जो है टायर्स लगे होते हैं, उसमें जो एक एरो पॉइंट जो होता है, एरो सर्कल जो बना होता है पॉइंट, और उस पर टायर्स पर नंबर भी पड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपकी रास्ते में जैसे टायर ख़राब हो जाता है चलते चलते, या फिर पंचर हो जाती है और आपको टायर चेंज कराना पड़ जाता है किसी शॉप में जा करके, अगर वो उसने शॉप में जो है अगर उसने आपके टायर को उल्टा फिट कर दिया, तो उसके जो है बाद में जो इसके जो रीज़न जो निकलते हैं, वो क्या रीज़न होते हैं, वो ख़राबी क्या आती है, चलाने में क्या आपको प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को दोस्तों फुल वॉच कीजिएगा, जिसमें आपको पता चल सकेगा कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है उसमें। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टायर में वो सर्कल जो एरो होता है वो कहाँ पर होता है, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये टायर का जो साइज होता है, ये 2/75/17, और ये एरो का जो निशान होता है, ये पॉइंट बना होता है। फ्रेंड्स, ये एरो का जो पॉइंट्स होता है, ये सीधा जो हमारे गोल सर्कल जो बन करके घूमता है, ये इसकी एक पॉइंट होता है कि मतलब ऐसे चलना होता है टायर को। अगर ये इनके से अगर उल्टा लग गया, तो ये जो है आपकी जो टायर की जो ड्यूरेशन होती है 40 से 50,000 किलोमीटर की, वो आपकी घट करके जो है 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक ही चल पाएगी। और इसके जो जो साइड इफ़ेक्ट है, वो आपके इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, वो जो आपके जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें जो आपका जो हैंडल है, स्टेयरिंग है, काफ़ी ज़्यादा टाइट लगेगा, और गाड़ी की जो सही से बैलेंसिंग नहीं मिलेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उसको। आपको जो है कहीं से अगर कट लेना है, राइट या लेफ़्ट कट लेना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हार्ड लगेगा हैंडल, और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप चेंज कराएँ टायर, तो आप उसको बताएँ जो पिंचर वाला जो चेंज कर रहा है, उसको सीधा टायर लगाने के लिए उसको फोकस करें, बोलें। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी है मेरी वीडियो? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको पता चल सके कि अगर हम टायर अगर जो है गलत लगा देते हैं, उल्टा लगा देते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आने वाली वीडियो में अच्छे से टॉपिक लेकर के आऊँगा जो आपके काम की हो। तो दोस्तों, चलते हैं, बाय।